से। तो जय सर, हाँ तो जय सर, सबसे अभी आप मुझे अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए। पहले तो आपने बहुत अच्छा यहाँ पे आए और हम जो काम कर रहे थे बट उसमें आपने जो आइडिया दिया कि हम मतलब इलेक्ट्रिकल के बारे में यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे पावर इक्वेशन हो रहा है, उसके बारे में आपने हमको एक चांस दिया, उसके बदल सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। अकरम जी, माय नेम इज जयेश कुमार। एक्चुअली मैं यहाँ पे अवादा में 2019 से कनेक्टेड हूँ और अभी यहाँ पे अब मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स O&M देख रहा हूँ। तो इनिशियली बेस पे जहाँ पे टेस्टिंग कमीशनिंग चल रहा है वो साइड पे मुझे भेजा जाता है। तो आज मैं आप लोग को जो भी आपने बताया उसके अकॉर्डिंग में हर एक इक्विपमेंट का सबसे पहले हमको उसमें क्या इक्विपमेंट क्यों लगाया जाता है, उसका पर्पस क्या है और उसमें हमको एज अ मेंटेनेंस क्या करना है और सबसे क्रिटिकल क्रिटिकलिटी क्या आ सकता है उसके बारे में थोड़ा मैं ब्रीफ करूँगा। ऑपरेशन से पहले पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या क्या हमारे ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए, वो भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी आप हमें बताएं। बिल्कुल 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 सर, आप यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हो ये 132 kV की ट्रांसमिशन लाइन है। यहाँ पे हमारा सिंगल सर्किट आया है और उसमें जो कंडक्टर यूज हुआ है वो पैंथर कंडक्टर है। आप ऑलरेडी जानते हो कि पैंथर की करंट करेंट की आपकी सिटी लगभग 500 एम्पियर के आसपास रहती है और ये सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट टावर के पास के बाद ये कनेक्टिविटी होती है। कोई भी आप सब स्टेशन में जाओगे तो सबसे पहले आपका सब जनरेटर इंस्टॉल किया जाता है। तो सब जनरेटर हम क्यों आप इंस्टॉल मुझे करते सर हैं, जस्टर के पास में जाके एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है सर? जनरेटर का लॉन्ग फॉर्म आप देखा जाएंगे तो ऐसे उसे बोलते हैं लो शॉर्ट टर्म, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है, हमारा सिस्टम 132 kV, जब सिस्टम में कुछ मिली सेकंडों में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है तो वो आगे बियॉन्ड उसे इक्विपमेंट को नुकसान ना पहुंचे तो उससे पहले यहाँ पे जो भी वोल्टेज आएगा उसको जो 132 kV सिस्टम से अबोव वोल्टेज को वो क्या ग्राउंड के ग्राउंड करेगा। आप यहाँ पे देख रहे हो ऊपर एक ये जो गोल गोल सी इसका रिंग है बनी है, जी, ठीक है ना। उसके बाद उसमें स्टैक लगा रहता है, उसमें ZnO का लेयर रहता है। उसकी डिजाइन ऐसी की जाती है कि हमारा 132 kV सिस्टम से बियॉन्ड वोल्टेज जाएगा तो वो डायरेक्ट ग्राउंड होगा। और आप यहाँ पे उसमें आप एक दूसरा इक्विपमेंट भी देख सकते हो, उससे हम सर्ज मॉनिटर बोलते हैं। तो वो जनरली क्या है, जब हम लोग उसका एज ए ऑपरेशन मेंटेनेंस में हम लोग डेली उसका रीडिंग लेते हैं जी जिसमें मिलियम्स आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन कलर रेड कलर, मतलब जी हेल्दी और हेल्दी अनहेल्दी कंडीशन में, जब अनहेल्दी रहेगा तब आपको रेड जोन में चला जाएगा। वेरी तो गुड। ये सब चीज यहाँ पे इंस्टॉल है, यहाँ से आपका केबल की कनेक्टिविटी आएगी और ये ग्राउंड होता जाता है, ठीक है। ठीक है सर, इसके अब बाद स्ट्रक्चर और ये पूरा माउंट जिस पे किया जाता है उसको हम लोग गैंट्री बोलते हैं जनरली। और बाकी आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों साइड में हम लोग को जब भी डायगोनली अर्थिंग हम लोग करवाते हैं ताकि जब भी कुछ भी इक्विपमेंट का अर्थिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, वो भी हाई वोल्टेज सिस्टम में। हम लोग को इक्विपमेंट अर्थिंग के बारे में अर्थिंग हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, अर्थिंग हमेशा हमारे इक्विपमेंट डायगोनली रहना ही चाहिए, केवल अर्थिंग नहीं होना। अभी मैं भी आप लोग को पूछता हूँ कि आप लोग को भी इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे क्वारी कर सकते हो, पूछ सकते हो। सर इसकी काउंट होती है क्या, इतनी काउंट अगर इसका आई है तो? बिल्कुल, इसमें ये जो सर्च मॉनिटर है उसमें आप देख सकते हो नीचे नीचे एकदम नीचे देखोगे तो काउंटर है। जी यहाँ पे हाँ, ये और काउंटर है। उसके ऊपर जो दिखाता है वो मिली एम्पियर का आपका अंक दिखाता होगा, ठीक है ना। और कुछ जानना चाहते हो तो बताओ। तो मैक्सिमम सर कितने काउंट तक हम इसको ले सकते हैं? मैक्सिमम जैसे इसमें सपोज बिजली का स्ट्रोक गिरा या हमारे सिस्टम वोल्टेज में कोई स्पाइक आया तो उस टाइम पे
हम लोग को ये मिनियम जो है ना ऊपर कितनी बार एक सर्जर इसको झेल सकता है। ये तो इसका अभी रैप्चरिंग कैपेसिटी जो है ना सबका अलग अलग रहता है। जैसे देखो आप जनरली देखोगे तो आप इसके नेम प्लेट पे देख सकते हो 40 किलो एम्पियर जो है वो उसका प्रेशर कर, रिलीफ करंट है, ठीक है ना। अभी देखो आपको एक और चीज बताता हूँ मैं, ऐसे का रेटिंग हमेशा सिस्टम वोल्टेज से कम होता है। क्योंकि वो अर्थिंग के साथ कनेक्टेड रहता है, उसका एक कैलकुलेशन हम लोग ऑलरेडी बीटेक में पढ़े हैं कि लाइन वोल्टेज इनटू 1.1 उसका फॉर्म फैक्टर रहता है, इनटू टेम्परेचर उसका अर्थिंग कोएफिशिएंट रहता है 0.8। तो आप नॉर्मली 132 केवी को आप ये कैलकुलेशन में बिठाओगे तो जनरली 0.8 तो आपको ये 128 या 127 केवी मिलेगा। ये इसका रेटिंग रहता है, ठीक है। इसके बाद सर नेक्स्ट हम जो हमारा इक्विपमेंट है हम उस पे आते हैं। ये हमारा इक्विपमेंट स्ट्रक्चर रेडी है, उसके बाद हमने इक्विपमेंट इसकी इंस्टॉलेशन कर रखी है। इस इक्विपमेंट के बारे में बताइए। जनरली ये जो है ना ये प्रोटेक्शन हमारा पीटी है जी, ठीक है, अपने प्लांट के लिए। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे एक केबल ट्रेंच भी गई है, तो जितने भी केबल ट्रेंच आपको दिख रही है जी, ये गवर्नमेंट का जॉइंट मीटर रीडिंग के लिए यहाँ पे इन साइड में स्टैंड बाय मीटर रखा है जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग रहता है जी। और ये जो है ये प्लांट का अपने प्लांट के लिए, जैसे पीटी का नॉर्मली यूज आपको पता होगा कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का नॉर्मली जैसे डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल रिले, उसमें डायरेक्शनल रिले में जो प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट करना है तो उस टाइम पे हम लोग को पीटी का सप्लाई पीटी जरूर देती है। तो मेन पर्पज ये है, और दूसरा पर्पज है कि उसका मीटरिंग के लिए ये नॉर्मली क्या है 132 केवी से उसमें वाइंडिंग रहता, जैसे हमारा पावर ट्रांसफार्मर क्या एक बड़े वोल्टेज लेवल से छोटे वोल्टेज लेवल को कन्वर्ट करता है, यहाँ पे ये भी क्या वो बड़े वोल्टेज लेवल को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ताकि हम लोग जो हमारे लिए जो आप रीडेबल या यूजेबल हम लोग मीटर में जो कनेक्शन करते हैं वो मीटर छोटे वोल्टेज है सर। यहाँ पे पीटी का आउटपुट जैसे देखो 132 के बाय रूट 3 बाय 110 बाय रूट 3 ये अपनी रेटिंग है, रेटिंग तो ये तो डैश सर ये हमारा लाइन पीटी है ना, हमारा लाइन की प्रोडक्शन के लिए है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट इक्विपमेंट पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है को जब इरेक्शन करते हैं जी, तो उस टाइप को देखने मतलब इरेक्शन कमीशनिंग देखते हैं जी, और टेस्टिंग करते हैं, तो जनरली उसमें पीटी में आपको वोल्टेज रेशियो टेस्ट करते हैं जी, मेगर करते हैं जी, और ये सब वाइंडिंग रेसिस्टेंस देखते हैं, रेजिस्टेंस है ये सब टेस्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं जी, और उसका उसके अकॉर्डिंग जो भी हम लोग को रिजल्ट आया वो टेस्ट करते हुए जी, और उसके बाद उसका सेकेंडरी जो है के साथ कनेक्टिविटी करके हम लोग कोई भी मीटर या रिले में उसका कनेक्शन करते हैं जी। प्रोटेक्शन पीटी को अर्थ किया जाता है क्या सर? प्रोटेक्शन पीटी को अर्थ नहीं किया जाता है, बहुत बच्चे सवाल करते हैं। जनरली क्या होता है पीटी में, पीटी का प्राइमरी जो है उसके बाद जब सेकेंडरी आता है तो उसमें आपको दो स्टड मिलेंगे, एक दो वाइंडिंग रहता है, एक एंड को हम 1A बोलते हैं और एक को 1N बोलते हैं, और दूसरा दो कोर है सपोर्ट तो 2A और 2N रहेगा, और बगल में आपको एक लिंक दिया जाता है, वो लिंक हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए और वो गांव के साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्विपमेंट पे चलते हैं। उसमें हम लोग को जैसे ऑपरेशन मेंटेनेंस पर्पज से देखना है तो उसमें हम लोग ऑयल का लीकेज चेक करना, और मतलब बाकी अर्थिंग तो किया ही रहता है, ऑयल लीकेज जनरली देखते हैं, और ये अपना इंसुलेटर जो है वो क्रैक नहीं होना चाहिए सब, और जनरली जो क्लैंप रहता है वहाँ पे कुछ बात की आवाज नहीं आता है, यहाँ पे थर्मोग्राफी करके हमको देखना पड़ता है। जनरली आप देख सकते हो यहाँ पे इंसुलेटर का कैलकुलेशन कैसे होता है, वो भी एक बहुत बढ़िया सवाल है जी। आप देख रहे हो इधर यहाँ पे आपको स्ट्रैक गोल चक्की तक्की मिलेगी जी, वो एक्चुअली क्या है उस इलेक्ट्रिकल में क्रिपेज डिस्टेंस आप लोगों ने सुना होगा जी, ये क्रिपेज डिस्टेंस सिस्टम वोल्टेज जितना है उसके अकॉर्डिंग
आपका क्रिपेज डिस्टेंस डिसाइड होता है और उसके बेस पे आपको नंबर ऑफ स्टैक लगाया जाता है, ठीक है ना। ये आप गोल दिख रहे हो ना, ये जी 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 देखोगे तो जी, आप 220 में जाओगे तो ज्यादा रहेगा। और क्रिपेज डिस्टेंस को हमने देखना होता है, एलए में भी ये कंसीडर होती है और पीटी सीटी सब में रहता है ये जी, सारे इक्विपमेंट में। सवाल तो आप बता सकते हो इधर, जैसे 18 SL 132 में, तो 222 में इस फॉर्मूले के हिसाब से जनरली कैसा रहता है डिस्क का कैलकुलेशन जो है वो हम लोग जो एक 11 केवी का वन काउंट करते हैं, ठीक है ना। और बाकी उसका अलग फॉर्मूला भी एक है, जैसे 11 केवी मतलब जैसे हम हमारा थंब रूल कुछ भी बोलते हैं, 300 स्क्वायर में केबल है उसमें करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना रहेगी, तो आप उसमें 1 × 1.5 गुना कर दो और वो हो गया। ऐसा आप 11 केवी एक एक स्टेप को मान सकते हैं जनरली, ठीक है। अब अभी और कुछ आप यहाँ पे बोल सकते हो, उसका एक जंक्शन बॉक्स है, जंक्शन बॉक्स है उसमें अलग अलग जितनी भी कोर होगी, सपोज इसमें 2 कोर है तो 2 कोर का केबल आप ये खोल सकते हो,